आज लता जी हमारे बीच नहीं है और ये बहुत दुख की घड़ी है और पूरे देश के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए भी और पूरे देश के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। और ये वो खालीपन है, ये वो क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। लता मंगेशकर एक ही थीं, एक ही हैं और एक ही रहेंगी। उनके जैसा न कोई दूसरा पैदा हुआ, न दूसरा कोई होगा। वो आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके द्वारा किया गया काम, उनके द्वारा उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो सीख हम लोगों को दी है, उससे हम हमेशा प्रेरित होती रहेंगे और कुछ न कुछ उसे सीख के आगे बढ़ते रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को उनसे सबक सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि एक महान सिंगर बनने के लिए, एक महान व्यक्तित्व अपने आप में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उनकी किताबें पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, उनके गाने सुने लोग। और पूरा देश आज दुख की घड़ी से गुजर रहा है और ये ऐसा दुख है जिसको किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता, जिसकी क्षति कभी भी कम नहीं हो सकती। लता जी के साथ मेरा सौभाग्य रहा कि उन्होंने मेरे बहुत सारे गाने गाए, उनसे मैं मिला, उनका मैंने दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद मैंने लिया, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बताया जीवन में, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। और आज हमने जो कुछ भी उपलब्धि हमको हुई है उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि जब आप किसी भी महान कलाकार से मिलते हैं तो केवल उसके काम से नहीं, उसकी उनकी बातों से, उनकी सीख से आप बहुत कुछ सीखते हैं। और ये तमाम गुण जो था वो लता मंगेशकर में था। वो जब भी अपने किसी करीबी से मिलती थी तो उनसे, वो एक ग्रेट फिलासफर थी, वो एक, उनको जीवन में एक कमाल की ह्यूमन बीइंग थी लोगों के बारे में। आज तक आखिरी दम तक जो नए सिंगर, चाहे वो इंडियन आइडल के हों, सारेगामा के हों, उनके बारे में सुनती थी, उनकी तारीफ करती थी। कभी भी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। वो हमेशा अपने आप को छोटा करके ही दिखाती थी, यही उनकी महानता थी। मैं तमाम लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी से गुजरने के लिए प्रार्थना करें। और मैं उन तमाम लोगों का बहुत आभारी हूँ जो लता मंगेशकर के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो उनके लिए दुख की सभाएं कर रहे हैं। क्योंकि यही वो वक्त है कि हमको उनको कुछ देना है, हमको उनको श्रद्धांजलि देनी है, हमको ईश्वर से प्रार्थना करना है कि उनको ईश्वर जो है शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। ऊपर के लेना, चेहरे का क्लोज हो गया, बस सिर्फ चश्मा लगा ले। ये तो बहुत बड़ी हानि हुई है सर। अरे बहुत बहुत बड़ा राष्ट्रीय हानि है। लोग इस वक्त पूरा देश देख रहे, प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं, अब इसी से अंदाजा लगा लो। जी जी जी। और वो कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा, वो अलग बात है। पर उनका काम ही इतना कमाल का है, इतनी बड़ी इनिंग उन्होंने खेली है, इतना काम किया है कि वो देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। उनको सम्मान मिलना, सम्मान के लिए सम्मान की बात है, उनको तो मिलना ही चाहिए था जो कुछ उनको मिला। 1942 से उन्होंने डिग्री किया, 42 वो 28 का में उनका जन्म हुआ था, 1929 क्योंकि मेरे पिताजी 30 में पैदा हुए थे। अच्छा। वो 29 में हुई है, 13 साल की उम्र। और कितना संघर्ष किया है, बर्तन मांजने से लेके कैच शुरू करके, फिल्मों में काम करने से लेके, नाटक में काम करने से लेके, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को लेके भी इतनी सारी उपलब्धि हासिल करना, आप सोचिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी साधना की होगी इस काम की। संगीत की देवी तो ऐसे ही थोड़ी, संगीत की देवी बोलते थे, स्वर कोकिला ऐसे थोड़ी बोलते थे भैया। जी सर, जी सर। चलो।